सोलन की एनजीओ सभ्य रीफॉरेस्ट ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वन विभाग की नर्सरी में पौधे उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि पौधारोपण के लिए एक एक पेड़ के लिए 35 से 50 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलन सब डिवीजन के करीब 17 नर्सरी चल रही हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसमें देवदार और बांड के पौधे उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वन प्रेमियों को पौधा बाहरी जिलों से खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था का उद्देश्य है कि वे करोल के पहाड़ पर इतने पेड़ लगाएं कि जंगली जानवर खेतों का रुख ना कर पाएं और पर्यावरण की सुरक्षा रहे। संस्था के अध्यक्ष अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था हर साल ना केवल पौधारोपण करती है बल्कि वे जो पेड़ लगाते हैं उनका संरक्षण भी करती है। यही वजह है कि आज करोल का पहाड़ पेड़ों से लहलहा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए ये हमारी शुरुआत है जिस पे हमने एक संस्था बनाई है सभ्य रिफॉरेस्टर, जो पिछले 3 सालों से पर्यावरण से रिलेटेड पौधारोपण कर रही है। मेरी सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि हमें कोई ज़्यादा सहयोग सरकार से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम पौधे भी जो है अपने पैसों से खरीद कर लगाते हैं। तो हम आपके माध्यम से सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और वृक्ष प्रदान करें। आपके माध्यम से सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो सोलन की जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए 29 तारीख को और करोल पर हमारे साथ ट्री प्लांटेशन करें। इस बारी हम करोल में लगभग 700 पौधा लगाने जा रहे हैं, जिसमें देवदार और बान 500 और 200 मेडिसिनल प्लांट और 100 कर जो है हम फूल पौधे लगाने जा रहे हैं। हम इसमें दाड़ू, जामुन और जो भी वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो जंगलों में, जिससे हम जो है वानर जो नीचे गांव की तरफ आते हैं उनको हम जंगलों में ही रोक सकें। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट से मिलने चाहिए। करना चाहता हूँ।